अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाज फ्रॉम टेक तरका और आज की वीडियो में मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ नोट 10 प्लस वर्सेस नोट 9। ये पिछले साल का फ्लैगशिप फ़ोन है सैमसंग की तरफ से और ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है पाकिस्तान में नोट 10 प्लस। पाकिस्तान में एक मार्केट ऐसी है जो कि चाहती है कि पिछले साल का फ़ोन ले लें, सस्ते मिल जाते हैं और राइटली सो, सस्ते फ़ोन होते हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। और ये वीडियो बनाने का रीज़न यही है कि हम उन लोगों को भी कैटर करें जो कि चॉइस कर रहे होते हैं कि पुराना फ़ोन लिया जाए या नया फ़ोन लिया जाए। तो हम लोग फ़ोन को पहले बैक से शुरू करेंगे कंपैरिजन। जैसे कि आप देख सकते हैं नोट 9 में एक ड्यूल कैमरा सेटअप है और नोट 10 प्लस में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। तो एक मेजर आप देख सकते हैं चेंज यही है और साथ में आपको फिंगरप्रिंट रीडर नोट 9 में मिल रहा है बैक में, वेरस नोट 10 प्लस में आपको एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट रीडर मिलेगा जो मैं आपको आगे जाकर भी दिखाऊंगा अभी। इसके साथ में जब हम फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट में आप देख सकते हैं फ़ोन का साइज़ ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा मार्जिनली बड़ा होगा नोट 10 प्लस, लेकिन ये 6.8 इंच की स्क्रीन है कंपेयर टू 6.4 इंच नोट 9 में। इसका रीज़न ये है कि नोट 10 प्लस में आप देख सकते हैं कि बैटरी साइज़ इसकी जो स्क्रीन साइज़ है बेजल्स बहुत कम है और काफ़ी इन्होंने स्क्रीन दी है इसमें और एक बीच में कट होल पंच भी दे दिया कैमरे के लिए। वेरस नोट 9 में आप जैसे देख सकते हैं कि उन्होंने टॉप में पट्टी दी हुई है, आयरस स्कैनर दिया हुआ है, यहाँ पर कैमरा दिया हुआ है तो बेजल्स काफ़ी जगह ले रही है। जब हम लोग राइट साइड पे देखते हैं लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो आपको वॉल्यूम रॉकर बटन्स मिलेंगे और साथ में दोनों फोन में वॉल्यूम रॉकर बटन्स हैं, लेकिन इसमें उन्होंने आप एक ही बटन दिया हुआ है बिक्सबी और पावर का, वेरस नोट 9 में डेडिकेटेड बिक्सबी बटन दिया हुआ है। और जब दूसरी साइड में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इस साइड पर कोई बटन्स नहीं है नोट 10 प्लस में, वेरस नोट 9 में इन्होंने एक बटन दिया हुआ है पावर का ऑन द राइट साइड। बॉटम में भी आपको एक बहुत ऑब्वियस चेंज नज़र आएगा, नोट 9 में आपको हेडफोन जैक मिल रहा है वेरस नोट 10 प्लस में आपको कोई हेडफोन जैक नहीं मिल रहा। तो अब आइए हम लोग सॉफ्टवेयर की तरफ इसको कंपेयर करते हैं, दोनों को एक साथ स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1। आप देख सकते हैं नोट 9 पहले स्टार्ट हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन नहीं खुला हुआ, इसलिए हम लोग इसको कंपेरिजन शुरू करते हैं। सबसे पहले फ़ोन डायलर को ऑन करेंगे, सेम था ऑलमोस्ट, इतना फ़र्क नहीं होता इनमें, मैसेजिंग सेम। हम लोग साथ में प्ले स्टोर खोलेंगे दोनों में, नोट 10 प्लस में थोड़ा सा तेज़ था, उसकी लोडिंग ज़्यादा तेज़ हुई थी। हम लोग साथ में इसमें कोई और एप्लीकेशन खोलते हैं, इसमें हम सबसे पहले खोलते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलते हैं और कोई वेबसाइट ऑन करते हैं, gold.com, और हम देखते हैं कौन सा पहले खुलेगा। हालांकि नोट 9 में पहले स्क्रीन में सब शो हुआ था लेकिन नोट 10 प्लस में लोड पहले हुआ था। अब हम लोग इसको ऐप्स की तरफ जाएंगे, इंस्टाग्राम दोनों को खोलते हैं। अच्छा, दोनों में इंस्टाग्राम डिफरेंट खुला हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं जो नोट 10 प्लस का इंस्टाग्राम था वो पहले खुला, उसमें पहले चीज़ें लोड हुई हैं, और जो नोट 9 में था वो बाद में खुला और उसकी फीड भी बाद में अपडेट हुई। इसके साथ हम लोग खोलेंगे ट्विटर, तो ट्विटर आपने देखा कितनी स्पीड से ये खुल गया है और इसमें अपडेटेड खुला था नोट 9 में पुरानी फीड्स के साथ खुला था। इसके साथ हम खोलेंगे फेसबुक, अगेन नोट 10 प्लस की स्पीड बहुत तेज़ थी, लेकिन आप लोग मेन जज हैं, आप लोग बताएं नीचे कमेंट्स में कि कौन सा ज़्यादा बेहतर तेज़ खुला था। गैलरी खोलते हैं, तो ऑब्वियसली ये फिर नोट 10 में ज़्यादा तेज़ खुला है। कोई गेमिंग की तरफ हम आते हैं, गेम चेक करते हैं, सबवे सर्फर दोनों में खोलते हैं और चेक करते हैं कि कौन सा बेहतर है। अच्छा, मैं इस टेस्ट को मिनिमम रखना चाहता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि कैसे तेज़ी से नोट 10 प्लस में खुल गया है, रेडी हो गया है और इसमें अभी तक खुला भी नहीं है। हालांकि इसमें मैंने साइन इन नहीं किया हुआ, लेकिन आप चेक कर सकते हैं कितनी स्पीड से खुला है। इसको साथ में थोड़ा सा ऑन करते रहें मेजरमेंट के लिए। इसके अलावा हम लोग अब यूट्यूब खोलेंगे, यूट्यूब की तरफ देखेंगे कि इसमें कैसी आप लोगों को रेजोल्यूशन मिल रही है, क्या मिल रहा है। स्क्रीन दोनों की मैंने फुल ब्राइट रखी हुई है इस टेस्ट के लिए। YouTube में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इसमें नोट 10 प्लस में फीड खुली और नोट 9 में बाद में खुला।
हम इसको फुल स्क्रीन टेस्ट करना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहता हूँ फुल स्क्रीन में इसकी इमेज क्वालिटी कैसी है। आप देख सकते हैं पंच हाउंड डिस्प्ले थोड़ा सा तंग करता है, लेकिन ओवरऑल इसकी वॉइस क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, वीडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। सेम वीडियो हम लोग इसमें अब खोलेंगे और चेक करते हैं कि इसमें इमेज क्वालिटी कैसे आती है। देखिए ये एड्स में बहुत तंग किया है आजकल। अब आप देख सकते हैं कि जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो नोट 10 प्लस की जो आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो ज़्यादा अच्छी नज़र आती है। अब हम दोनों ने मैंने इनकी स्क्रीन ऑन कर दी है और इसको मैं आपको टेस्ट करने के लिए दिखाता हूँ इन 3, 2, 1। तो देख सकते हैं कि नोट 10 प्लस में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट रीडर है, नोट 9 में बैक एक हार्डवेयर में फिंगरप्रिंट रीडर है, लेकिन दोनों की स्पीड ऑलमोस्ट सेम थी, कि आप देख सकते हैं कि इतना फ़र्क दोनों में नहीं है। हाँ, एक चीज़ नोट 9 में बहुत अच्छी है वो है इसका आयरिस स्कैनर, इंटेलिजेंट स्कैनर, आपके पास ज़्यादा सिक्योरिटी होती है इसमें और ये नाइट टाइम में भी अच्छा चलता है। मैंने जो चीज़ नोट 10 प्लस में देखी है, स्क्रीन ब्राइट कर देता है कि आपको नाइट को अंधेरे में भी आपका स्क्रीन आपको फिंगर फेस रिकॉग्नाइज कर सके, लेकिन ये सिक्योर नहीं है। तो अगर आप सिक्योरिटी की तरफ जाना चाहते हैं तो नोट 9 ऑब्वियसली आपकी चॉइस होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा कि आपके लिए कौन सी बेहतर चीज़ है। मेरे हिसाब से अगर आप प्राइस वैल्यू फॉर मनी जाना चाहते हैं, नोट 10 प्लस एक अच्छा फ़ोन है, लेकिन ओवरऑल नोट 9 भी एक अच्छा फ़ोन है। अगर आप सस्ते ऑप्शन पर जाना चाहते हैं तो आप नोट 9 को प्रेफर कर सकते हैं। इस वक्त इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, उसमें मेरा बहुत फ़ायदा होगा। और वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।